तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी की मजलिस आमिला का इजलास मुनाक़िद हुआ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनाक़िदा इजलास में रियासती उज़रा, अरकान असम्बली, MLCs व दीगर शरीक हुए। इजलास के दौरान पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत बनाने और मुस्तकबिल में मुनाक़िद होने वाले इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा यही सतह से रियासती सतह तक कमेटियों की तश्कील और 27 अप्रैल को मुनाक़िद होने वाले पार्टी के सालाना इजलास पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 150 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,95,581 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,610 हो गई है। GHMC के हदूद में 25 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 5, जगतियाल में 7, जनगाँव में 0, भोपालपल्ली में 0, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 7, खम्मम में 6, आसिफाबाद में 3, महबूबनगर में 4, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 5, मेदक में 1, मलकाजगिरी में 9, मुलगू में 3, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडे में 5, नारायणपेट में 0, निर्मल में 4, निज़ामाबाद में 7, पेद्दापल्ली में 5, सिरसिल्ला में 5, रंगारेड्डी में 10, संगारेड्डी में 6, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 0, वारंगल रोलर में 2, वारंगल अर्बन में 7, भोनगिर में 3 केसेज दर्ज हुए हैं। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर TRS पार्टी के रुकने राज्यसभा ने 17 फरवरी को तेलंगाना भर में 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो पौधे लगाने की मुहिम ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे। संतोष कुमार ने रियासती उजरा तारक रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और के कविता रुकने कौंसिल के हाथों प्रोग्राम के पोस्टर्स का इफ्तिताह करवाया। रुकने कौंसिल कविता ने कहा कि रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाना रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का एक ख्वाब है, जिसको पूरा करना इस प्रोग्राम का मकसद है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और तेलंगाना जागृति का कारगर कारकुन शजरकारी करेंगे। न सिर्फ पौधे लगाना बल्कि उन पौधों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश पर उनके लिए एक तोहफा होगा। इस मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज नुमाइंदा राघव केशवर, रियासती वाइस प्रेसिडेंट जागृति राजू सागर, भिक्षापति और TRS के कायदीन संदीप फदिगर मौजूद थे। तेलंगाना में सर्दी की लहर में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। रियासत के कई मकामात पर दर्ज हरारत में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। 7 बजे शाम से ही सर्दी की लहर का आगाज हो रहा है। कई मकामात पर कोहर की घनी चादर सुबह की अव्वलीन सातों में देखी जा रही है, जिसकी वजह से चहलकदमी करने वालों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। उसी तरह गाड़ियाँ चलाने वालों को भी कोहर की वजह से रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है और वो गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियाँ चलाने पर मजबूर हैं। सर्दी से बचने के लिए काफ़ी अफराद सड़कों पर आग जलाते हुए सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आदिलाबाद ज़िले में सोनाला और संगारेड्डी के कोहिर में 11.4 डिग्री सेल्सियस, आदिलाबाद के बाजार हतनुज, मेरचल ज़िले के केसरा, निर्मल ज़िले के पम्बी में 11.7, रंगारेड्डी ज़िले के कसोलाबाद में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खम्मम, रंगारेड्डी, यदादरी, भोनगिर अजला में दिन के दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता चंद दिनों से वज़ीर बल्दी नज़्ब व नसक़ के तारक रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने रियासती उज़रा और अरकान मुखन्नाना के तजावीज़ और मशवरों पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की है और इस तरह के बयान देने वालों और इजहार ख्याल करने वालों को सख्त वार्निंग दी और वाज़े किया है कि आइंदा 10 साल वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के बारे में कोई भी बयान ना दें। हैदराबाद के तिजारती इलाके कोठी की दुकानात में बड़े पैमाने पर आतिजदगी का हादसा पेश आया। हफ्ते की शब कोठी आंध्रा बैंक जंक्शन की एक दुकान में लगी आग फैल गई, जिसने दिगर 8 दुकानात को तेज़ी के साथ अपनी लपेट में ले लिया। क्योंकि ये दुकानात कपड़ों की थी, दुकानात के मालिकिन की जानिब से दुकान को बंद करके घरों को रवाना होने के बाद ये हादसा पेश आया। ताहम इस वाक़े के बाद दुकानात में किसी के भी ना होने की वजह से किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन उन दुकानात में रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। अपोलो कैंसर हॉस्पिटल और क्यूर फाउंडेशन की जानिब से कैंसर से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए सुपर कार रैली का एहतमाम किया गया। तेलुगु फिल्म अदाकारा मालविका शर्मा ने कार रैली की झंडी दिखाई और अदाकारा कैथरीन ट्रेसा ने रैली का खैर मकदम किया। इस रैली में 20 कार शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर विजय आनंद, डायरेक्टर अपोलो कैंसर हॉस्पिटल भी मौजूद थे। बाद अजां रैली में हिस्सा लेने वालों को तहनीत पेश की गई। अदाकारा मालविका शर्मा ने कहा कि कैंसर से मुतालिक शऊर बेदार करना एक अजीम कारनामा है।
जिले जगतियाल के मिटपल्ली में दावत का खाना खाने के बाद तकरीबन 40 अफराद बीमार पड़ गए। ये वाकया मिटपल्ली के पिद्दापुर में पेश आया। पिद्दापुर से ताल्लुक रखने वाले रामो नामी शख्स ने नए मकान की तामीर के सिलसिले में रिश्तेदारों और दोस्तों को दावत दी। उस दावत का खाना खाने के बाद तकरीबन 40 अफराद मुतासिर हो गए और उनकी सेहत खराब हो गई। उन तमाम को फौरी तौर पर मिटपल्ली और कोटला के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेरे इलाज हैं।